जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। जीएस और साइंस यानी कि आपके सामान्य ज्ञान और विज्ञान के कुल 32 प्रश्न हमको सेकंड शिफ्ट के भी मिल गए हैं। 32 प्रश्न ही हमको फर्स्ट शिफ्ट के मिले थे, तो आज हमें काफ़ी सारे प्रश्न मिल गए। और इन सभी प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रूपेश जी जो कि इंदौर से हैं, अंकित पटेल जी जो इंदौर से हैं, रजनीश साहू जी जो इंदौर से हैं, अशोक जी जो आगरमालवा से हैं, रोहित जी जो उज्जैन से हैं, करण जी रतलाम से, प्रियांशु जी भोपाल से, अंकित जी साजापुर से जिनका गांव रनायल गांव है। इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला प्रश्न देखते हैं, सीता साहू जी का संबंध किस खेल से है? तो दौड़ से है। स्पेशल ओलंपिक 2011 में एथेंस में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक। अब कौन कौन से इवेंट में जीते थे ये आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि जब इन्होंने स्पेशल ओलंपिक में 2 गेम जीते उसके बाद भी इनको टिक्की का ठेला, ये चाट का ठेला इनके परिवार वाले लगाते थे, वो लगाना पड़ा क्योंकि उनको घोषणा की गई थी कि अगर 1 कांस्य पदक पे 50,000 रुपये की घोषणा। तो 2 कांस्य पदक जीते थे तो इनको 50-50 1,00,000 रुपये मिलने थे, लेकिन उनको ये रुपये भी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बड़ा मुश्किल से ये रुपये अभी उनको मिल पाए तब वो दोबारा से एथलेटिक्स के फील्ड में आई, अदरवाइज खाने के लाले थे। ये स्थिति थी हमारी मध्य प्रदेश सरकार की खिलाड़ियों के प्रति। चलो दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। तीसरा, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है इन सभी वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, @ तपोभूमि डालिएगा। 8 तारीख से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर एग्ज़ाम की GK साइंस और मैथ रीजनिंग सब की PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पे जाते हैं, कौन से गैस सूर्य से आने वाली गर्म किरणों को वायुमंडल में वापस नहीं जाने देती और जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है? तो उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बाष्प, ओजोन, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इन्हीं की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, अगर ये नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाता, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन स्तनधारी है? इस तरीके के ये 4 ऑप्शन थे, आप लोग बताइएगा क्या इसी तरीके का प्रश्न था। इनके आंसर हमने विज्ञान के प्रश्नों के आंसर देखे नहीं है। हृदय में शरीर के अन्य भागों में शुद्ध रक्त कौन सी जगह से जाता है? कहाँ से जाता है, मतलब धमनी से जाता है। हृदय से शरीर के दूसरे भागों में शुद्ध रक्त कौन पहुँचाता है? धमनी। एक अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है। डूरंट रेखा किस किस को जोड़ती है? पहली वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि डूरंट रेखा किसने बनाई थी, अब यहाँ पर डूरंट रेखा किस किस को जोड़ती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, अब कैसा क्वेश्चन था मालूम नहीं। अगला प्रश्न था, तेल आयातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2019 की रिपोर्ट देखें तो 2019 में दूसरा नंबर था हमारा तेल आयातकों में। वर्तमान में हमारी जो ज़रूरत है जितनी भी तेल की उसका 82% हम आयात करते हैं और 18% हमको यहीं मिल जाता है। एक तो डिगबोई में है, दूसरा बॉम्बे आई में है, उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि तेल की जो आपूर्ति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आ सकते हैं आपके में। 2022 तक हमने जो लक्ष्य बनाया है कि हम 67% ही आयात करें और 33% अपनी खुद की पूर्ति करें, कहाँ से वो लक्ष्य बनेगा? अब नए तो हमको स्रोत मिलेंगे नहीं, लेकिन उनने कहा कि इथेनॉल से आजकल बड़ा चल रहा है कि इथेनॉल का यूज़ करके आप अपने तेल की जो भी खपत है वो बना पाएँ, पेट्रोल डीजल बना पाएँ। ये आपके गन्ने की खेती से रिलेटेड होता है थोड़ा इथेनॉल कुछ, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न था, आयने अकबरी में कौन से राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र है? तो मुझे मिल नहीं पाया वहाँ पर सर्च करने पर, कोई इतिहास का जानकार हो तो वो बता सकता है, नीचे कमेंट में भी लिख सकता है। सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है? जब मैंने गूगल पर कमेंट किया तो वहाँ पर यमुना लिख के आया, यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो मुझे बच्चे ने भेज दिए कि सूरजमुखी और कपास, बाकी के ऑप्शन पता नहीं है। किसी को इस प्रश्न की भी डिटेल मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। वेल्लूर मठ से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि वेल्लूर मठ कहाँ पर है, तो वेल्लूर मठ हुगली नदी के पश्चिमी तट पर है जो कि हावड़ा जिले पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद जी ने की। हो सकता है स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े संत रहे हैं,
तो इनके जीवन चरित्र को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे भी एक और प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में गलत है, और चार ऑप्शन दिए थे जन्म मृत्यु ऐसा करके, तो वो क्वेश्चन आ चुका है। आज ये बेलूर मठ का क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है कि इनके जीवन के बारे में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गांधी जी के बारे में पूछे जा रहे हैं। 14वां प्रश्न था, महालवाड़ी प्रथा से क्या संबंधित है। पहले के ज़माने में क्या था कि जो गांव हुआ करता था उसको हम महाल बोलते थे राजस्व की भाषा में। जैसे कि वर्तमान में आपका जो गांव होता है उसको अगर आप किसी पटवारी से पूछोगे तो वो कहेगा ये हल्का है हमारा, क्या कहेगा वो, हल्का है, तो हल्का बोलते हैं राजस्व की भाषा में। तो ऐसे ही पहले राजस्व की भाषा में गांव को महाल बोला जाता था, और गांव तो और गांव ये जो महालवाड़ी प्रथा थी उसमें क्या होता था कि गांव में एक मुखिया बना दिया जाता था, और वही मुखिया पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करता था, लगान वसूली करता था, और वही फिर कंपनी को देता था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और जो मुखिया होता था जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको लंबरदार कहते थे, इसीलिए आजकल आपने कहा सुनी भी होगी बहुत बड़े लंबरदार हो क्या, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो ये कैनिंग था 1856 से 62 तक। मध्य प्रदेश में कितने वन जीव अभ्यारण्य हैं, वैसे सर्च करोगे आपको 31 मिलेंगे, ठीक है, पहले भी मैं बता चुका था आपके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑप्शन ऐसे आए थे 25, 10, 67, 34, तो कोई डाउट ही नहीं, फिर 34 ही लगा देना है, बाकी के सब बहुत दूर दूर के हैं। अगला प्रश्न, पोंगल का अर्थ आया, देखो पोंगल को लेके 4वां प्रश्न है ये आपका, बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पोंगल का अगर तमिल में अर्थ देखोगे तो उसका मतलब होता है उफान, और उफान ना आके ऑप्शन में था उबलना, तो उबलने को हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं। अब ये भी नेट पर सर्च करने पर मुझे मिला नहीं, वैसे ये दो मेगा फूड पार्क के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, और दोनों पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहले पर भी दूसरे पर भी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, वो वही गोल्डन कप है हॉकी से रिलेटेड, वही सवाल डबल रिपीट हो गया। एक कुछ इस तरीके का था साइंस का, जोड़ी मिलान करनी थी, टिप्स टिप्रोप्लास्टिक ऐसा शिथिल कोशिकाएं इस तरफ टेनी पूरा पेरीपोरा जो भी लिखा हो। अगला प्रश्न, काली मिट्टी छिछली कहाँ पर होती है, बुंदेलखंड में होती है, सतपुड़ा क्षेत्र में होती है, या नर्मदा घाटी में होती है। तो ये कोई भूगोल के शिक्षक हों बड़े जानकार उनसे आप पता करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, फास्फोरस निम्न में से किस में पाया जाता है, तो हड्डी में पाया जाता है। हमारे शरीर का टोटल फास्फोरस का 25% तो हड्डी और दांतों में ही मिल जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा समीकरण गति का सही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v = u + at, दूसरा s = ut + ½at² और तीसरा v² = u² + 2as। यहाँ पर u आपका इनिशियल यानी प्रारंभिक गति है, v आपकी अंतिम गति है, और t आपका समय है, और a आपका क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है, s आपकी चली गई डिस्टेंस यानी कि दूरी है। अब क्या है, देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन पहली वाली दी है यू स्क्वायर, पहला वाला ऑप्शन देखो यू स्क्वायर बराबर v² - 2gs, तो ये -2gs, जी यहाँ पर देखो हर जगह जी लिखा है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण लिख दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको जी ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इसको उधर पहुँचाओगे तो कितना आ जाएगा, v² = u² + 2gs, यानी कि यही आपकी बन गई कंडीशन, ये वाली कंडीशन तीसरा समीकरण बन गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सही है। ये वाला देखो कैसे गलत है, ये सेकंड वाला देखो गलत, गलती भी तो सिखा दें, s + ut होना चाहिए था, और यहाँ ½gt लिखा है, ½gt² होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। v = vt - g2g ऐसा तो कैसे, यानी ये है हमारा, तो ये भी गलत। v² = u² - 2gs, तो v² + 2gs आ जाता है आपका u², जो कि गलत है। v² = u² + 2gs, जो कि आपका केवल पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किलो वॉट घंटे में क्या नापते हैं, तो ऊर्जा की इकाई होती है, ज़्यादातर हम क्या है जो हमारी बिजली की खपत होती है ना उसको इसी में नापते हैं, इसको जो जनरल सेंस में हम कहते हैं यूनिट, की कितने यूनिट हो गई। जिमनास्टिक से संबंधित कौन सा खेल होता है, शायद मलखंब के बारे में पूछा होगा, और हमारा राजकीय खेल है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। किस ग्रह पर पानी के भंडार पाए गए हैं, तो मंगल पर अनुमान है कि पानी के भंडार हैं। अब ऑप्शन कैसे थे, वैसे तो एक आपका उपग्रह भी है, आपका शनि का उपग्रह है कोई टाइटन वगैरह, वहाँ पर भी पानी के साक्ष्य पाए गए हैं। डागर बंधु किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो डागर बंधु है ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। फूलों के आंतरिक भाग का नाम कुछ पूछा गया था। 39वें राष्ट्रमंडल खेल भारत में कहाँ होंगे, तो ये चंडीगढ़ में आयोजित होंगे। लोकायुक्त अस्तित्व में कब आया, तो लोकायुक्त जो 16 जनवरी 2014 से लोकायुक्त का एक्ट लागू हुआ।
ठीक है, शैवाल से संबंधित एक क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से संबंधित एक क्वेश्चन। अब हो सकता है लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो कब हुई सबसे पहले, ऐसा कुछ प्रश्न हो तो वो आप देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। लोकायुक्त जो अधिनियम है वो आपका यहाँ से लागू हुआ था इतनी तारीख से। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8839449109। इस पर आप क्या करेंगे, अपना नाम, आप अपना शहर का नाम और आप अपने एग्ज़ाम का नाम लिखकर हमें भेज देंगे तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे ताकि आपको भविष्य के वीडियोस के नोटिफिकेशन सूचनाएं वहां पर मिलती रहें। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप @tapobhoomi सर्च करिएगा, @tapobhoomi आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। धन्यवाद, जय माता दी।